अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने ऑलमोस्ट एक महीना पहले बताया था, लेकिन मेरी बातों को वही के तंबाकू समझा लोगों ने कि भाई तुम्हें कहाँ से ये इल्हाम हो रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये ऐसा हो रहा है। तो आज MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ट्रैकिंग ब्रेसलेट जो है, एक घड़ी जो है, आपके घड़ी नुमा एक जो है डिवाइस जो है वो आपको पहना दी जाएगी और आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो उसकी कंफर्मेशन कर दी है आज MOH ने कि वो तमाम लोग जिनको आइसोलेशन में रखा जाता है, जो COVID-19 के मरीज़ हैं, और वो कुछ लोग जो हैं वहाँ सेंटर में नहीं रहते या उनको जो घरों में रहते हैं क्वारंटाइन खुद को करते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं, वो उधर नहीं रहते, वो इधर उधर बाहर निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो उनको ट्रैक करने के लिए, उनको कहाँ 24/7 यानी उनको मॉनिटर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, ब्रेसलेट टाइप, एक घड़ी टाइप, वॉच टाइप, वो उनको पहना दी जाती है, जो कि एप्लीकेशन से भी लिंक होती है और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो उनको पता चलता है जियोग्राफिकली कि वो बंदा कहाँ पर एग्जैक्टली जहाँ पर उसको अलाउ किया गया था आइसोलेशन, या सेंटर में है या घर में, जहाँ पर भी वो उधर ही है या इधर उधर मूव हो रहा है। सो वो डिवाइस जो है, अब जब आपको पहना दी जाएगी तो आप जो है, आपकी पूरी एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर आप घूम फिर रहे हैं, आप वो उनको पता चलता रहेगा। तो जो ही आप जो एरिया मुख्तस किया गया था आपके आइसोलेशन के लिए, आप उसे बाहर निकलेंगे, उनको पता चल जाएगा, आपको इमिडिएटली जो है पकड़ लिया जाएगा, फ़ाइन भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी, और जो भी उनका एक्शन लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो कमेटीज़ हैं या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो मुकम्मल की जाएगी। सो उन तमाम लोगों के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं हमेशा अच्छी और मुसबत और पक्की खबर देता हूँ। जब मैंने बातें छोड़नी हुई तो मैं शुरू में बता दूंगा कि भाई मैं छोड़ने वाला हूँ। सही है, जो छड़नियाँ गई तो भाई छड़ के तुम दसागे ए जड़ी है, ये हवाई खबर है, ये अफवाह है। सो प्लीज़ आप मेरे ख्याल से लोगों को समझ जाना चाहिए, जो कहते थे कि भाई क्यों अफवाह फैलाते हो, भाई मैं तो तोड़ करता हूँ अफवाह का, जो लोग अफवाह फैलाते हैं हम तो उसकी अंदर तक पहुँचते हैं। सही है, सो इंशाल्लाह खैर फ्यूचर में भी, आने वाले वक्त में भी हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुसबत और पक्की खबर देंगे, बेशक वो टाइम से पहले हो, टाइम पर हो या टाइम के बाद हो, मुख्तसर जामिया और सच्ची पक्की खबर जो है वो ही देंगे। सो ये डिवाइस जो है वो आपको पहनाई जाएगी, जो लोग कॉन्सेंट यानी उस एरिया से बाहर निकलेंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए अपना ख्याल रखें, हमेशा जो है अच्छी खबर फैलाएं, और जितनी भी आप केयर कर सकते हैं वो करें। मेन चीज़ है आपने केयर करनी है, ये नहीं है कि अगर आपको कोरोना है और आप कहीं भी जा सकते हैं आ सकते हैं या आप केयर नहीं करेंगे। आप कहते हैं जी मैंने क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहना गवर्नमेंट के, मैंने खुद को आइसोलेशन घर में करना है, इस बहाने से आप घर पे रहते हैं लेकिन इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अब वो सीन ख़त्म हो चुका है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए। बहुत कम लोगों को पहले पहनाई गई थी, लेकिन उनमें से भी जो है उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, बोला ये ऐसे ही होगा शायद, क्या है ये, बस ऐसे ही है ये। उनके कुछ लोगों ने ब्रेक करने की भी कोशिश की कि डिवाइस को तोड़ दो, बोल देंगे जी डैमेज हो गई, ये चलना बंद हो गई, ये वो, तो कुछ नहीं होगा। तो वो पकड़े गए, अब जो है इसके ऊपर मज़ीद सख्त एक्शन होगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स ओपन हो गई हैं, इसलिए मज़ीद इकदाम जो हैं वो सख्त किए जाएंगे ताकि वबा जो है कम से कम फैले। सो इसलिए अपना ख्याल रखें, किसी भी कानून की जो है ख़िलाफ़ वर्जी मत करें, खुद को मुश्किल में ना डालें और दूसरों को भी मुश्किल से बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुश्किलात आसान हो। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।